एक्सीडेंट हो जाता है, फिर हम खतरे में पड़ जाते हैं, होता है ना। संतों की इसलिए गुरु आज्ञा मान के चलना चाहिए, गुरु की आज्ञा में चलना चाहिए। कोई भी कार्य करना चाहिए तो गुरु की सहमति लेकर ही करना चाहिए, यही गुरु का कर्तव्य है। और जो ऐसा नहीं करता फिर वो एक्सीडेंट होता है, काहे का, उसके कर्मों का। और फिर जब वो सजा भुगतता है फिर रोता वो आता है, गुरु जी मेरे साथ ये क्या हो गया। गुरु जी से पूछा था क्या, गुरुजी ने कहा था क्या, गुरुओं के ज्ञान को जब आप अपने अंदर समेट कर चलोगे तो आप खुद ज्ञानी हो जाओगे। और जब आप खुद ज्ञानी हो जाओगे तो आपसे जीवन में कभी कोई गलत कर्म हो ही नहीं सकता। और यहाँ यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वकील करना पड़ता है, लेकिन जब हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहां वकील को वकील नहीं, क्या बोला जाता है, बैरिस्टर। और यहाँ यहाँ अब गुरु गुरु क्या बन गए हैं, अब यहाँ बैरिस्टर बन रहे हैं। पहले चौकीदार बने, सिपाही बने, और अब बैरिस्टर। कैसे, गुरुवर प्यारे की बैरिस्टर, बात कर
कर रहा हूँ और संतों की भी, ये पता चलता है 10-10, 15-15 सब्जियां लगी हुई है थालियों में, तरह तरह के व्यंजन। मैं खुद गया हूँ ऐसे घरों के अंदर कि कम से कम 2 फुट की चौड़ाई उस थाल की और पूरा थाल खूब बड़ा और छोटी छोटी सी कटोरी, उसमें 2-2 चम्मच सब्जी होंगी, क्योंकि आदमी इतनी खा नहीं सकता, कटोरी भर भर के देंगे तो 15-20 कटोरियां उसमें रखी होंगी, खा लेगा क्या, कोई नहीं खा सकता, तो 2-2 चम्मच उसमें सब्जी, जरा जरा सी कटोरियां, और उसमें भी खाना खाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सूखे चने खा के भी टाइम काटते हैं, सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती, लेकिन संत फिर भी मस्त होते हैं। तो कह रहे हैं क्या, कभी तो खावे चना चबेरा।